बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 24 दक्षिण 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। टीएमसी नेता सफीदुद्दीन की हत्या के बाद उनके समर्थकों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसको भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस दौरान कई घरों में आग भी लगा दी गई। टीएमसी नेताओं ने इस हत्या के पीछे सीपीएम का हाथ होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सीपीएम ने इन आरोपों को खारिज जरूर किया है, टीएमसी की आंतरिक कला का इसको नतीजा बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार फिर से जो इस तरीके की राजनीतिक हिंसा है जिसमें एक नेता को निशाना बनाया गया और उसके बाद हिंसा और भड़की है, ये कानून व्यवस्था जो है उस पर भी सवालिया निशान लगाता है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है उसका जो क्रम है वो टूटता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इस बार जो घटना हुआ है इसमें आज सुबह एक तृणमूल कांग्रेस के नेता, जो लोकल नेता है, उनके ऊपर गोली चलाया गया और उनका मृत्यु हुआ। उसके बाद एक हिंसक मॉब कुछ लोगों के घर जला दी और एक उन जिसके ऊपर उस मॉब का शक था कि इस हिंसा में वो शामिल है, उसको भी लिंच कर दिया गया इस मॉब द्वारा। और इसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची, पुलिस आने से पहले कई सारे घर जला दिया गया और कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया है कि जब वहां पे फायर इंजन जा रहे थे तब फायर इंजन को भी रोका गया। और यहाँ पे अब पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति काबू में है और एक आरोपी को उन्होंने हिरासत में लिए हैं जो इस तृणमूल नेता के खून के मामले में उनके लिए एक सस्पेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल आपने पूछा, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा होता रहा है, जैसे कि आपने कहा, तृणमूल का कहना है कि राजनीतिक हिंसा का शिकार ज्यादातर वो खुद बने हैं और आज भी उनका कहना है कि वो राजनीतिक हिंसा का शिकार बने हैं। और आज उसके बाद यहाँ पे जो मॉब है, मॉब इस हिंसा घटना के बाद लोगों की घर जला दिया। दूसरी तरफ सीपीआईएम का ये कहना है कि जिन लोगों का घर जलाया गया वो सारे सीपीआईएम का समर्थक थे और ये भी एक राजनीतिक हिंसा है। तो अब तृणमूल नेता को क्यों मारा गया, ये राजनीतिक हिंसा है कि नहीं, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको लेकर सीपीआईएम ने ये आरोप उठाया है कि वो राजनीतिक हिंसा जरूर है और ठीक है, अभी पुलिस वहां पे तैनात है और स्थिति काबू में लाया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।